और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। कोलकाता में ही केके का कल निधन हुआ था। आज उनका पोस्टमार्टम यही कोलकाता के अस्पताल में हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब यहां से स्टेडियम में लेकर जाया जाएगा, रविंद्र भवन जो है वहां पर इनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा और वहां पे उन्हें गन सैल्यूट दिया जाएगा, सलामी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस बारे में फैसला लिया कि अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जाए केके को। कल केके का निधन हुआ था। नजरुल मंच ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद वो होटल पहुंचे और होटल जाने के बाद वो बेहोश हो गए, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से संगीत संसार तो दुख में है ही सही, इस उनके फैंस काफ़ी सदमे में हैं, साथ ही इस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या बद इंतजामी ने जान ले ली केके की। ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोलकाता पुलिस इस वक्त तलाश रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता के अस्पताल के बाहर की, ये तस्वीरें, यहीं पर पोस्टमार्टम हुआ है और पत्नी परिवार के लोग केके के इस वक्त कोलकाता में ही मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ पश्चिम बंगाल से केके को विदाई दी जाएगी और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई बताया जा रहा है लाया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।